ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है, हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। धानगढ़ के जंगली इलाके में राम सिंह और उसके दो साथी किसी बेहद संजीदा काम से जा रहे थे। कई दिनों से प्रशासन के पास शिकायतें आ रही थी कि आए दिन उस जंगल से लोग लापता हो रहे हैं, जिनका बाद में कोई पता नहीं चलता। राम सिंह अपनी टीम को लेकर इसी बात की तहकीकात करने जा रहा था। जब लोगों को मालूम है कि पिछले हफ्ते यहां से कोई गायब हुआ है तो फिर लोग जाते क्यों हैं जंगल में? चरण, तुम यहां नए हो इसलिए ऐसा कह रहे हो। इस धानगढ़ का सबसे खूबसूरत इलाका है घना जंगल, बड़े से झरने, पुराना किला, सैलानियों के लिए क्या नहीं है। यहां अव्वल नंबर का टूरिस्ट स्पॉट है ये, और कितनों को मना करोगे तुम? लोग आते रहेंगे, लेकिन हम जाकर पकड़ेंगे किसे? लोग गायब हो रहे इतना ही जानते हैं ना हम, ना किसी पर शक, ना कोई गवाह, ना कोई सही ठिकाने का पता। जंगल में कोई खतरनाक जानवर हो सकता है। यही सब जानने तो जंगल में जा रहे हैं। मनोज, चरण, हमारे लिए ये एक चुनौती है, समझो। आज हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम पुलिस वाले हैं, बाहर आते समय असली गुनहगार को पकड़कर ही लौटेंगे। यह हौसला रखो, मैंने तो ठान लिया है, तुमने भी ठाना है तो चलो। वाकई में उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि वो जंगल जैसे सैलानियों की पसंदीदा जगह थी, उसी तरह वो जंगल अपनी गूढ़ता के लिए भी जाना जाता था। पुराने लोग कहते थे कि वो जंगल शापित था, हफ्ते में एक बलि लिए बगैर वो जंगल शांत नहीं रह सकता था। लोगों का कहना था कि जंगल में कोई आदमखोर सैलानियों को मारकर उनका मांस खाता था। राम सिंह और उसके साथियों को पता नहीं था वो किससे उलझने जा रहे थे। हम इसी घर में रहेंगे, इस इलाके में यही एक रहने खाने की जगह है। कमरा लेने के बाद तुम लोग हाथ मुंह धो लो, तुरंत काम पर निकल पड़ेंगे। ये लोगों के गायब होने के पीछे क्या राज है ये खोजना ही होगा। जी सर। जी सर। मैंने सुनी आपकी बातें, सच कहा आपने, जो भी है उसे जरूर पकड़िए साहब। इस डर से लोग यहां पहले जैसे रहने भी नहीं आते, बस सुबह आकर शाम को लौट जाते हैं। अब अपनी रोजी रोटी पर भी असर हो रहा है, क्या करें? फिक्र मत कीजिए आप, हम उस गुनहगार को पकड़ कर ही दम लेंगे। जरूर जरूर। और कितने कमरे चाहिए आपको? दो कमरे। खाना बहुत अच्छा था भैरव जी, एकदम लज्जतदार। अच्छा हुआ हम यहाँ आ गए, चलिए हम घूम आते हैं, रात को मिलेंगे। नमस्ते। चरण, मनोज, तैयार हो जाओ जल्दी। तुम दोनों सैलानियों के रास्तों पर नजर रखना, मैं जंगल में और दूर जाकर देखता हूं। करना क्या है सर? किसी भी संदेहजनक अजीब बात पर गौर करना, जो लोग गायब हो रहे हैं उनको ढूंढने की कोशिश करो, जिंदा, जख्मी या मुर्दा, कुछ तो मिलेगा। चरण और मनोज दोनों तैयार होकर बाहर निकलने वाले ही थे, तभी उन्हें राम सिंह कहीं दिखाई नहीं दिया। दोनों ने सोचा साहब पहले ही काम पर निकल गए होंगे, दोनों अपने मिशन पर निकल गए। जंगल में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जंगल इतना घना था कि दिन में भी सूरज की किरणें जमीन पर नहीं पड़ती थी,
रास्ते में उन्हें कई डरावनी आवाजें भी सुनाई दी। उन्हें बार बार लगता रहा कि कोई उनका पीछा कर रहा था। उन्होंने कई जगहों पर जाकर देखा लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिल पाया। घना विशाल जंगल ने उन्हें बहुत थका दिया। शाम को थके हारे दोनों जब वापस उस घर में आए तो उन्हें जानकारी मिली कि राम सिंह अभी तक लौटा नहीं है। लेकिन जब दूसरे दिन भी राम सिंह नहीं लौटा तो उन्हें चिंता होने लगी। वो जरूर इसी काम में लगे होंगे, तुम्हें पता है ना, अपने मिशन के लिए वो जान की बाजी तक लगा सकते हैं। उसी बात का तो डर है मनोज, अकेले गए हैं, उस पर हमें पता भी नहीं हमारा सामना किससे है, चिंता हो रही है उनकी। आपने उन्हें अकेले जाने ही क्यों दिया? आपको पता नहीं ये जंगल किसी आदमखोर के कारण बदनाम है। सैलानियों के ग्रुप से जब आदमी गायब हो सकता है तो अकेली जान क्या चीज है उस आदमखोर के लिए। सच कहा आपने भैरव जी, वैसे आपको कोई अनुभव नहीं आया इस बात का? आप तो सालों से यहां रहते हैं। साहब, अकेले पर यह बाप दादा का घर संभालने की जिम्मेदारी है बस, वरना कब का शहर चला जाता। मुझे भी रात को बाहर निकलने से डर लगता है। खैर, आपके साहब किस दिशा में गए हैं? नहीं जानते, क्या पता कहां होंगे, किस हाल में होंगे। भैरव जी, आपने राहुल को कहीं देखा? सुबह से कोई अता पता नहीं उसका। कैमरा लेकर निकला था, जहां गया था वहां से सिर्फ ये टूटा कैमरा मिला। देखा मनोज, क्या फायदा हमारे यहां होने से, ना किसी को बचा पा रहे हैं ना ही किसी को सजा दे पा रहे हैं। रुको जरा, क्या पहना था आपके दोस्त ने, मुझे हुलिया बताइए। राम सिंह के गायब होने के बाद पूरे दो दिन गुजर चुके थे। बेबस से चरण और मनोज दोनों हर रोज सबूत या किसी सुराग खोजने की जी जान से कोशिश करते लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। राम सिंह के साथ साथ सैलानियों में से एक राहुल के खो जाने के बाद तो मानो उनकी हिम्मत ही टूट सी गई थी। बस हुआ, वापस चलते हैं, अब यहां रहकर कुछ नहीं मिल पाएगा। साहब को तो खो चुके हैं हम, जान प्यारी है तो चलो यहां से, अब ज्यादा फोर्स लेकर ही आते हैं। सही कह रहे हो, ज्यादा लोग ज्यादा हथियार होंगे तो शायद उस आदमखोर को पकड़ पाएंगे। कल सुबह जल्दी निकलते हैं। उस रात सभी के चेहरे मायूसी भरे थे। सैलानियों का ग्रुप राहुल को लेकर परेशान था, चरण और मनोज राम सिंह अपनी हार को लेकर दुखी थे। सारे खाना खा रहे थे लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। भैरव भी उनके साथ खाना खा रहा था। देखिए आप लोग मायूस मत होना, राहुल और राम सिंह आ जाएंगे, जंगल में खोए होंगे, आ जाएंगे। ठीक कहा भैरव, मैं आ गया लेकिन राहुल नहीं आएगा, तुम्हें ही पता है वो क्यों नहीं आ सकता। यू आर अंडर अरेस्ट, यही है वो आदमखोर। सर लेकिन, हां सबूत जुटाने थे इसीलिए देर लगी। उस दिन मैं जंगल में जाने के लिए निकला तो सही लेकिन घर के आसपास ही छुपकर बैठा था, फिर भैरव बाहर निकला, मैं उसके पीछे पीछे चला गया। ये घर, ये लॉजिंग जैसा धंधा, ये सब दिखावा है, रोज नए शिकार को अपनी तरफ खींचने के लिए। इस जंगल में अरण्य माता का मंदिर है, ये हर हफ्ते उसे किसी इंसान की बलि चढ़ाता है और वो गोश्त यहां लाकर पकाकर खा लेता है। राहुल भी इसी का शिकार हुआ है। सारे सबूत साथ ले आया हूं। साहब कैद करना है तो और पुलिस बुला लीजिए, क्योंकि मैंने तो अरण्य माता का प्रसाद कब का खा लिया लेकिन राहुल को ये सब लोग खा रहे हैं। इस वक्त आदमखोर मैं हूं ही लेकिन
अब आप लोग भी हो। अगर आपके पास ऐसी ही कोई स्टोरी है तो आप हमें लिखकर नीचे दिए गए मेल आईडी पर भेज सकते हैं और हो सकता है कि हम वो कहानी एनिमेशन के द्वारा आपके सामने लेकर आएंगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए।